मौलाना, आपसे एक औरत ने पूछा कि मेरी बेटी के बाल बीमारी की वजह से झड़ गए हैं और मैंने उसकी शादी कर दी है, क्या मैं उसमें मस्नूई बाल जोड़ सकती हूँ? जोड़ दी जो। दूसरा जो मना किया था हुज़ूर ने, वो ये बात नहीं कि लोगों ने खामखा बना ली, वो बात थी कि धोखा देने के लिए खूबसूरत औरतें उस ज़माने में अपने बाल बेचती थी, अब भी यूरोप में, कि वो अपने बाल कटवा कर ना फिर दुकानों पर बेच, दूसरी औरतें अपने असली बाल कटवा कर ना वो खूबसूरत औरतों के फिर वो रंगदार ये जो ऐसे होते हैं वो अपने साथ जोड़ती हैं, वो धोखा होता किसी मर्द को फंसाने के लिए, हैं वो ना जाए, मगर अपने ही खाउंड के लिए ही अपने घर में अगर किसी के साथ ऐसा मामला आ गया और उसने ये मसनूई बाल लगवा लिए, कोई हल लगवाने चाहिए, बच्चियाँ बेचारी गंदी फिरती रहें। उन्होंने इनके उस सवाल का अगला हिस्सा, उसमें तजलीस थी, धोखा, दूसरी औरतों के बाल खूबसूरत जो है लेकर लगाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने बाल जोड़ने वाली, बाल जुड़वाने वाली और पर और उस पर जिस पर जिसके बाल लेकर जुड़ जाएँ लानत फरमाई है, वो धोखे की वजह से है? ये उसी सवाल का अगला, ये स्याह बाल जो है ना मना कि मर्द दाड़ियाँ ना स्याह करें, ये भी मसला यही कि मैं बूढ़ा हूँ मगर शादी करना चाहता हूँ तो बाल स्याह करूँ और बच्चियों को धोखा दूँ और फंसाऊँ कि ये जवान है, वो फरेब है, वरना बड़े बड़े साहब हैं जो चोटी सब ने कालियाँ की हैं, उनके नाम इब्न हजर साद बिन नबी वक्कास जैसे, हजरत उस्मान जैसे, किसी ने नहीं ये खिताब छोड़ा, धोखा नहीं देना चाहते थे इसलिए कि हमारा कोई वकार रहे। और ये उलमा ने जो लिखा कि जो गाजी जिहाद पर जाएँ ये तो बिल्कुल स्याह करके जाएँ, वहाँ सफ़ैद दाड़ियाँ मेरे जैसे लेकर जाएँगे तो काफर दलेर हो जाएंगे, बूढ़ा आया मार दो, वहाँ जवान बन कर जाएँ, बात अकल की करनी चाहिए, शरीयत हिकमत पर मबनी, दानाई पर, अपने घर में अपनी बीवी के लिए दोस्तों के लिए अगर वो स्याह करता है कोई इसमें कोई गुनाह नहीं, किसी को धोखा देना चाहता है वो नजायज। मौलाना, अगर बाल हल्के हों तो विग वगैरह लगाई जा सकती है? जो लगा रहे इसको जो कहते हैं ना कि ये वासला मौसूला नहीं, वो बातें वही थी जो मैंने बताया ना कि गैर औरतों के बाल खूबसूरतों के लेकर धोखे के लिए लगाती थी, वो अलग सी बात, ये जो है ना इस तरह विग वगैरह लगाना ये वासला मौसूला कोई नहीं है, बिल्कुल ठीक लगाएं। आजकल प्लकिंग का फैशन और है। आप कुरान में पढ़ती हैं जहाँ अल्लाह ने फरमाया कि जीनत अपनी इनके साथ दूसरों के सामने जाहिर नहीं किया, उससे पता चलता कि आपके लिए दीन में जीनत मतलूब है, बिल्कुल औरत जो है ना इमाम अबू यूसुफ ने अगर ये बात की तो बच्चा बिल्कुल ठीक कही कि तीन बातों पर खामद को हक है मारने का, एक नमाज ना पढ़े, एक इजाज़त के बगैर घर से जाए और एक जीनत ना करे, मेकअप ना करे, और वो कहेगा अगर मैं बाहर में बाद में मरा हो गया बाहर फिर कौन जानना बाहर, इसलिए ये जीनत जो आपका ये कोई फैशन नहीं इबादत, इसलिए नीयत से करें कि मेरा खामद मुझसे मोहब्बत करे, हलाल की तरफ रुजू करे, नीयत नेक होनी चाहिए, अगर गैरों को दिखाती फिरेंगी तो फिर लानत ही लानत।